जय भोले ग्रुप की ओर से ओम नमः शिवाय। दधीची ऋषि, दधीची ऋषि जो अथर्वन के पुत्र थे, अथर्वन यानी जिसने अथर्व वेद का जो प्राकट्य किया वही अथर्व उनके पुत्र और चिति के पुत्र दधीची ऋषि थे। दधीची ऋषि का जो आश्रम है वो अभी अहमदाबाद के अंदर साबरमती के नदी के पास यानी जहां पे गांधी आश्रम है उसके बिल्कुल बगल में दुधनाथ महादेव करके एक बड़ा ही पौराणिक मंदिर है, वहां पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, वही उनका आश्रम था। अगर भागवत पुराण के 6 स्कंद और 10 अध्याय में इसका वर्णन है और स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड और केदार खंड में और रुद्र संहिता में देखा जाए तो दूसरे खंड में इसका विवरण दिया जाता है। और दधीची ऋषि जिनके अस्थियों में देवता जब वृत्रासुर का वध करना था तो वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से मरे नहीं, ऐसा उनका उनको वरदान था, ना लीले से ना सूखे से या किसी भी कोई भी चीज ऐसी जिससे मरे नहीं। तो भगवान ने देवताओं ने उनका आह्वान किया दधीची ऋषि का और उनकी हड्डियां वज्र जैसी थी, उसकी भी एक कथा है क्यों उनकी हड्डियां वज्र जैसी थी लेकिन हम उस पे नहीं जाए। और उसके हड्डियों का यानी उन्होंने अपने शरीर का त्याग करने के लिए देवताओं ने उनको बोला और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और उनकी जितनी भी हड्डियां थी उनमें से विश्वकर्मा भगवान ने हथियार तैयार किए यानी जो उनके शरीर थे उसमें से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हुए, उसमें से रुद्र संहिता और उसके अनुसार गांडीव धनुष जो अर्जुन के पास था वो गांडीव धनुष, पिनाक धनुष जो शिव के पास था और सारंग जो विष्णु भगवान के पास था, ये सब जो भी 3 धनुष थे जो मेन कहे जाते हैं जो विश्व का संहार कर सकते हैं, इतनी एक एक धनुष में इतनी शक्ति है, वो धनुष उनके शरीर के और एक जो इंद्र का जो सबसे वज्र बोला जाता है जो वज्र जिससे वृत्रासुर का वध हुआ था वो मेन रीढ़ की हड्डी से लेके जो उसका वज्र है जो वज्र आपने पिक्चर में भी देखा होगा वही सेम दधीची ऋषि के मेन पार्ट से वो बनाया गया। और 3 धनुष जो गांडीव अर्जुन के पास था वही गांडीव जिससे कोई भी कभी भी युद्ध हारे नहीं और पिनाक जो शिव के पास था वो पिनाक धनुष और उनके साथ साथ वो उनको अग्निदेव ने दिया था वो देवताओं के पास था वहां से अर्जुन को मिला और उसके साथ साथ एक अलग जैसे उनके पास एक अक्षर था जिसमें तीर कभी खत्म ही नहीं होते थे, जितने भी तीर लिए जाए उनमें से वो तीर एक के ऊपर एक चलते ही रहते थे, वो कभी खत्म नहीं होते थे और वो भी तीर उनको लग के फिर वापस उसमें आ जाते थे। वही एक जो पूरी दधीची ऋषि का जो शरीर था पूरा वज्र उसकी हड्डियां वज्र के समान थी, ऐसा उनको वरदान था और उसी ने उनको एक भगवान के नाम दे जैसे शिव ने विष्णु ने कहा तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके उनके उनका वज्र जैसी जो हड्डियां थी अस्थियां थी उससे ही हथियार बना के सब देवताओं ने वृत्रासुर का वध किया और उनके जो हथियार थे वो सब जैसे धनुष थे वो भी वो लास्ट तक उसका अंत नहीं था, अभी भी कहीं पे तो हो गए लेकिन अभी हमें पता नहीं है वो कहां पे, लेकिन इसका आश्रम इधर बड़ा ही पौराणिक मंदिर है दुधनाथ महादेव अहमदाबाद में, कभी समय मिले तो कभी जाओ, बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत ही उसकी धार्मिक मान्यता है, साबरमती नदी के किनारे पे है। जय भोले ग्रुप की ओर से ओम नमः शिवाय।